हेलो मेरा नाम है रफीना और आज हम करने वाले हैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 11 जो है कंटेनर विद मोस्ट वाटर तो स्टार्ट करते हैं रीड करके यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एल देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आयथ लाइन आर आई एंड 0 एंड आई एंड हाइट ऑफ आई फाइंड टू लाइज दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेेंस द मोस्ट वाटर

अगर मैं इसमें पानी भरूंगी तो मुझे यहाँ पे ऐसा एक कंटेनर बनेगा जिस जिनका दोनों का अपर लेवल होगा सेवन और इसमें ये जो लेवल्स है जैसे कि ये वन यूनिट अपार्ट है तो वो हो जाएगा सेवन इंटू यहाँ पे कितने गैप्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन 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 इंटू सेवन जो हो गया फोर्टी नाइन तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं अभी कि एक एग्जांपल यूज़ करके देखते हैं कि इसको हम और कैसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जहाँ पे मेरे पास काफ़ी लाइंस मैंने बनाई है तो अब मुझे देखना है कि यहाँ पे मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी कौन सा मैं कौन से दो ऐसे लाइन्स यूज करूँ जिसको यूज़ करके मुझे मेरा कंटेनर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर कर सके तो अगर समझो मैंने यहाँ पे वन चूज़ किया तो यहाँ पे मैंने वन चूज़ किया और समझो अभी मैंने यहाँ पे ये लास्ट बार यू चूज किया ये थ्री तो अगर मैं इसमें पानी स्टोर करने जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा ऐसे पानी स्टोर होगा राइट क्योंकि इसका लेंथ वन है तो इसका मतलब क्या हो गया हमें दोनों में से कौन सा मिनिमम है वो मिनिमम लेना है और आप इसके अंदर का पानी कैसे मेजर करोगे ये जितने भी यूनिट्स है जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच हो गए तो वन इंटू फाइव फाइव तो यहाँ पे मैं पांच जैसे कि पांच समझो पांच लीटर मैंने स्टोर किया यही अगर मैं ये वाला और ये वाला चूज करूंगी तो मेरा पानी यहाँ तक आएगा और ये यहाँ पे स्टोर होगा तो इसका मतलब क्या है मिनिमम ऑफ सिक्स और थ्री कितना हो गया थ्री और उसके अंदर कितने ब्लॉक्स है एक दो तीन चार चार ये तो फोर थ्री या ट्वेल्व तो इस ये दोनों के बीच में मुझे बारह लीटर पानी में स्टोर कर सकती हूँ तो ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से दो लाइंस में यूज करके सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर सकूंगी ओके? Okay? तो ये मैं रब कर देती हूँ अभी हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या करना है अभी ये देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे हाइट्स का एक एरे दिया है जहाँ पे उसमें लाइंस की हाइट है तो जैसे वन सिक्स फोर थ्री फाइव थ्री जो मेरे ये डायग्राम के हिसाब से मैंने बनाई है ओके okay. तो अभी मुझे इसके लिए तीन वेरिएबल्स लगेंगे एक लगेंगे लेफ्ट वेरिएबल एक लगेगा राइट right, और एक रहेगा मेरा मैक्स एरिया तो मैं क्या करूंगी मेरे लेफ्ट को मैं मेरे जीरो इंडेक्स पे पॉइंट करूंगी मेरे राइट right को मैं मैं एंड ऑफ द एरे पे पॉइंट करूंगी लास्ट इंडेक्स पे और मैं कैलकुलेट करूंगी एरियाज जैसे मुझे एरियाज मिलते जाएंगे वैसे अगर वो एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है तो मैं उसको अपडेट करते जाऊंगी और ऐसे ऐसे मैं वो विंडो छोटा-छोटा करते जाऊंगी ओके कूल तो स्टार्ट uh, करते हैं मेरे पास एक A हो गया एल तो सेकंड uh, uh, मेरे पास है एक एल जो है जीरो से इनिशियलाइज्ड मेरे पास एक r है जो एंड ऑफ द एलिमेंट्स से इनिशियलाइज इंडेक्स से तो मेरा ये r हो गया 5 मेरे पास

वन और थ्री का मिनिमम लेके और उसका उसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे उसके गैप से गैप क्या हो गया मैं अगर दोनों इंडेक्स को माइनस करूंगी तो मुझे इजीली गैप मिल जाएगा अगर मैं 5 को R को L से माइनस करूंगी जीरो फाइव और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच बराबर पांच गैप्स हो गए तो मैं वो यूज करके मेरे गैप्स को कैलकुलेट uh, कर सकती हूँ तो अभी मैं करूंगी मिनिमम ऑफ वन और थ्री जो हो गया वन और गैप कितना हो गया फाइव माइनस जीरो फाइव तो वन फाइव या फाइव अभी मैं देखूंगी कि मेरा मैक्स एरिया अभी मेरा न्यूली कैलकुलेटेड एरिया क्या ये मेरे मैक्स एरिया से बड़ा है यस yes, फाइव बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से तो इसको अपडेट कर दूंगी मैं फाइव से अब आ गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मुझे एल बढ़ाना चाहिए या आर कम करना चाहिए वेल well, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट कम है क्या मेरा एल छोटा है या मेरा आर छोटा है अगर यहाँ पे देखोगे एल पे एलिमेंट है, है, है? है तो मैं एल को बढ़ाऊंगी अगर मेरा आर छोटा होता है जैसे मेरा अभी यहाँ पे समझो जीरो होता तो मैं आर को छोटा कम करती तो मुझे एल इंक्रीमेंट करना है तो मेरा एल अभी आ गया यहाँ पे तो मेरा एल हो गया वन मैं फिर से मैक्स मैं फिर से एरिया कैलकुलेट करूंगी एरिया हो जाएगा मिनिमम ऑफ सिक्स और थ्री जो हो गया थ्री और आर माइनस एल तो आर हो गया फोर तो और फोर थ्री ट्वेल्व मैं देखूंगी क्या मेरा एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है यस yes. तो मैं मैक्स एरिया कर दूंगी अपडेट ओके okay. अब मुझे देखना है कौन सा छोटा है थ्री छोटा है यस सिक्स छोटा है थ्री छोटा है ओके okay, तो मैं आर को करूंगी डिक्रीमेंट तो आर मेरा फाइव से हो गया फोर अब फिर से एरिया कैलकुलेट करेंगे एरिया हो जाएगा एरिया हो जाएगा मिनिमम ऑफ फाइव और सिक्स मिनिमम ऑफ फाइव और सिक्स क्या हो गया फाइव तो फाइव आ गया और उनका ले उनके बीच में कितना गैप है तो फोर माइनस वन हो गया थ्री तो फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन तो अब मैं देखूंगी मेरा एरिया बड़ा है मैक्स एरिया से यस yes.

थ्री छोटा है छोटा छोटा है, 3 है, तो डिक्रीमेंट को, फोर इन टू वन इज फोर मेरा एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है नहीं मैक्स एरिया ऐसे ही रहेगा अब मैं ये लूप चलाऊंगी जब तक मेरा एल छोटा है आर से अभी सिक्स और फोर में से छोटा कौन है फोर तो मेरा आर आ गया यहाँ पे अब मेरी जो आ, मेरे जो वाइल्ड लुक की कंडीशन थी वो थी एल इज लेस देन आर तो यहाँ पे वो हो जाएगी टर्मिनेट और हम कर देंगे रिटर्न फिफ्टीन तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो देखते हैं हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं जा रही हूँ मेरे कोड में आ, इसको थोड़ा ओके okay. तो सबसे पहले मुझे चाहिए था लेफ्ट तो मेरा लेफ्ट था इनिशियलाइज जीरो से मेरा राइट

हाइट ऑफ एल और हाइट ऑफ आर दोनों का मिनिमम लेना है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है उनके डिस्टेंस से तो आर माइनस एल अब मैं देखूंगी अब मुझे मैक्स एरिया अपडेट करना है मैक्स एरिया क्या रहेगा मैक्सिमम ऑफ जो भी मेरा एरिया है और जो मेरा एक्जिस्टिंग मैक्स एरिया है राइट right? तो अब मैं इसको करूंगी मैक्स ऑफ मैक्स एरिया या तो मेरा एरिया कुल अब करेंगे बात एल या आर अपडेट करने की तो मैं चेक करूंगी इफ माय हाइट ऑफ एल इज लेस माय हाइट ऑफ अगर मेरा L छोटा हुआ तो मुझे इंक्रीमेंट करना है तो प्लस इक्वल टू अगर मेरा आर छोटा हुआ तो मैं आर को डिक्रीमेंट करूंगी तो ये हो गया लास्ट में क्या करना था रिटर्न करना था मैक्स एरिया तो लास्ट में रिटर्न कर दिया मैक्स एरिया देखते हैं अभी ये रन करके रन कर रही हो ओके सबमिट खुद तो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया है ओके okay, तो so अभी बात करते हैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की होगी ओ ऑफ एन क्योंकि मैं वेरिएबल एक हर एक वेरिएबल के थ्रू जा रही हूँ इसके लिए वो हो गई ओ ऑफ एन अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप बात करोगे तो आप देख रहे हो तो मैंने तीन ही वेरिएबल्स यूज किया तीनों वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट स्टोर कर रहे हैं एक ही चीज स्टोर कर रहे हैं कोई लिस्ट या ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं है वहां पे जो वेरिएबल लेंथ का नहीं है सॉरी तो uh, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कॉन्स्टेंट और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन इसका सोल्यूशन मेरे गिटअप पेज पे है uh, और उसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी आप जाके वहां पे ये सोल्यूशन देख सकते हैं और uh, मैं अभी डिस्कॉर्ड पे हूँ तो फील फ्री टू कनेक्ट और uh, इसको थम्स अप दीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल uh, को बहुत हेल्प करेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम Bye.